देख रहे हैं जगदूत न्यूज। नमस्कार, जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में मैं देवजी आपका स्वागत करता हूं। ससुराल वालों ने एक विवाहित युवती को जलाकर मार डाला, मानवता हुई शर्मसार। देखिए खगड़िया से कौशल कुमार की खास रिपोर्ट। खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र रानी सकरपुरा में दिनांक 18/9/2020 को अहले सुबह 8:30 बजे सुबह एक विवाहित युवती मनीषा देवी को बड़ी बेरहमी से ससुराल पक्षों ने लोगों ने जलाकर मार डाला। आपको बता दें कि मृतक मनीषा देवी पूर्व में जो जिला सीतामढ़ी रामनगरा के रहने वाली थी, दिनांक 31/5/2019 को ही उसकी शादी विक्रम कुमार पेशर हरिवंश प्रसाद केसरी ग्राम रानी सकरपुरा जिला खगड़िया से हुआ था। आपको बता दें कि आज से महज 1 साल पहले युवती की शादी उसके माता पिता ने बड़े धूमधाम से की थी। आप जगदूत न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं कि मनीषा की शादी कैसे बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। किसे मालूम था कि जिनकी उनके साथ शादी हो रही है वो राक्षस निकलेंगे और ससुर व सास व उनके परिवार वाले चंडाल निकल जाएंगे। युवती के परिजनों का आरोप है कि कुछ ही महीने से इन पति पत्नी के बीच कुछ बात को लेकर अनबन हो रहा था। उनके चाचा ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए दिए हुए सामान से खुश नहीं हैं। उन्हें गाड़ी व अन्य सामान की चाहिए थी, जिसके लोभ के कारण से उसने मेरी बेटी को बड़ी बेरहमी से जलाकर मार डाला। आपको बता दें कि शादी जन्मों जन्मों का बंधन होता है, शादी जीवन का एक समझौता होता है। आज के परिवेश में यह शादीशुदा लोग इस बात को कितना समझ पाते हैं पता नहीं। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 18/9/2020 के सुबह 26 वर्षीय मनीषा देवी के पति विक्रम कुमार केसरी ने रोजाना की तरह अपने पत्नी मनीषा देवी को प्रताड़ित करने के लिए जुझारू था। बात तो यहाँ तक बढ़ गई कि विक्रम कुमार केसरी व उसके परिवार वालों ने दहेज के लोभ में आकर मनीषा को शरीर पर तेल छिड़क कर आग लगाकर मार डाला। ग्रामीणों के सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष राजीव कुमार रंजन व एवं SI हरेंद्र सिंह, BMP पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक शरीर का आधा भाग जल चुका था। आनन फानन में पीड़िता मनीषा देवी को सदर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही उसकी सांस टूट और उसकी मौत हो गई। इधर घटना को अंजाम देकर विक्रम कुमार केसरी व उसके परिवार जन फरार हो गए। गंगौर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने मृतक मनीषा देवी के ससुर हरिवंश प्रसाद केसरी, सास नीलम देवी को गिरफ्तार कर FIR कर केस करते हुए जेल भेज दिया गया। तो आइए हम बात करते हैं मृतक मनीषा के चाचा जी से, जो स्वयं एक BMP जवान है, तो वो क्या कहते हैं। रहने वाला हूँ। मामला है कि मेरे भतीजी को शादी 31 जुलाई को इसमें 2019 में हाँ तो हरिवंश प्रसाद केसरी, लड़का का नाम विक्रम प्रसाद केसरी है, जो मेरे भतीजी को 18/9/2020 को वो रात में लोग साजिश के तरह जला के और मार के उनको जला दिया गया, जो स्वर्गवास हो गए। FIR गंगौर में किया गया है। हाँ, उसका अभी हमको नकल नहीं मिला है, अभी थाना के जानकारी कुछ नहीं है। केस नंबर अभी मिला है, यहाँ से लिए हैं नगर थाना से। हाँ, शादी विवाह के उपलक्ष्य में दहेज के तौर पर माने उनको सारा सामान दिया गया, सब अच्छी से पूर्ण किया गया है। हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं, लेकिन वो पैसा के मांग कर रहे थे कि हमको 5 लाख रुपया बाप मकारी से लाओ, मोटरसाइकिल दो, सिकरी दो, नहीं तो हम तुमको रहने नहीं देंगे, हम जान मार देंगे। करंट भी उसको सटाया गया है। सुनी जी हमको कहा कि बिजली करंट लगाता है, मिला 1 महीना पहले, उसको समझा बुझा दिया गया है, शांत हो गया था। लेकिन इन लोगों ने मनबरहू है और दबंग है, इसीलिए उनको मार के जला दिया गया है। का आचरण गलत होगा तब ना हमारे भतीजी को मारा। करें और लाइक भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर।